तो दोस्तों आपने तू झूठी मैं मकर मूवी देखी है या नहीं देखी है? अगर नहीं देखी है तो देखने जाओ, और देखने के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस हो वो प्लीज शेयर कर देना ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, कमेंट करके मत बताना। लेकिन सुनने में आ रहा है कि यार तू झूठी मैं मकर मूवी के जितने भी रिव्यूज आ रहे हैं वो सब समोसा क्रिटिक्स दे रहे हैं, मतलब प्रोड्यूसर ने पैसा दिया है और अच्छे अच्छे रिव्यू दे रहे हैं यूट्यूबर्स और क्रिटिक्स जो भी हैं। अब यार ये तो यही बात हुई कि यार कोई चीज अच्छी है लेकिन इसको बदनाम कैसे किया जाए। अब यार देखो मैंने भी फिल्म देखी है और फिल्म वाकई में अच्छी है और एंटरटेन तो करके जाएगी आपको लास्ट तक। हाँ कहीं कहीं सीन लंबे खींचे गए हैं लेकिन फिल्म का प्लॉट जो दिखाया गया है, जो कहानी दिखाई गई है, वो आज की कहानी दिखाई गई है जो कि आजकल हो रहा है लवरशिप में। और इस फिल्म को फैमिली से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और कपल्स के साथ ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं बंदे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। तो यार देखो ये मुझे फेक न्यूज लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कोई रिव्यू ऐसा कोई समोसा क्रिटिक्स ने दिए हैं। फिल्म अच्छी है तो उसके अच्छे ही रिव्यू आ रहे हैं और यार कलेक्शन देख सकते हो। चलो मान लो पैसे देकर रिव्यू खरीद लिए सब समोसा क्रिटिक्स हैं, लेकिन जो कलेक्शन निकल के आ रहा है सामने वो थोड़ी खरीद सकता है कोई? तो भाइयों ऐसी किसी भी न्यूज पे बिलीव मत करना कि समोसा क्रिटिक्स सब ने प्रोड्यूसर ने रिव्यू को खरीदा है और सब ने अपने अच्छे अच्छे रिव्यू दिए हैं समोसा क्रिटिक्स बनकर। ऐसी न्यूज पर बिलीव मत करना और फिल्म बाकी में एंजॉयबल है और श्रद्धा कपूर रणवीर कपूर दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा प्यारे भी लग रहे हैं। तो अगर अभी तक नहीं देखी तो देखने का प्लान बनाओ, जाओ देखने और दोस्तों के साथ ही जाना, फैमिली के साथ भी एंटरटेनमेंट कर सकते हो लेकिन दोस्तों के साथ ज्यादा मजा आएगा। तो जाओ टिकट बुक करो। तो अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या मेरी बात से कुछ भी सहमत हो तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हो। और अगर श्रद्धा कपूर के फैंस हो तो यार भाइयों कर दो ना सब्सक्राइब यार मुझे भी। यार आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।